गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का अध्ययन गुरु में स्वागत है। मैं रियाज सर, फिजिक्स में आज आप लोग सीखेंगे प्रतिबिंब के बारे में, यानी इमेज फॉर्मेशन के बारे में आज थोड़ी बहुत चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। चलिए हम बातचीत शुरू कर रहे हैं कि इमेज होती क्या है। सबसे पहली चीज तो ये है, इमेज है क्या। देखिएगा, मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि इमेज प्रतिबिंब होता क्या है। परावर्तित जो किरणें होती ना, यानी रिफ्लेक्टिंग रे जो होती हैं, जैसे मतलब ये दो रिफ्लेक्टिंग रेज की जो मैं बात कर रहा हूं, और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ये रिफ्लेक्टेड वन ये सेकेंड, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब हम ये मान लें दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट, सो पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो रेज निकल रही हैं, ये दो रेज, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, पॉइंट रे से, पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो इंसिडेंट रे निकल रही है। अब दो इंसिडेंट रे निकल रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, दो रेज रिफ्लेक्टेड रेज होगी, तो उनका जो मिलान बिंदु होगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वो क्या कहलाएगा, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। तो यहां पर ये क्या बनेगा, पॉइंट इमेज बन जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए, आपको बच्चों समझना है कि हमें किस प्रकार से जब हम मिरर देखते हैं सुबह मॉर्निंग टाइम में या किसी भी टाइम पर देखते हैं, तो उसमें हमारा इमेज कैसे फॉर्म होता है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम सीखना चाहते हैं कि कैसे ऑब्टेंड होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। तो मैंने ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने अगर प्रेजेंट है कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस के ऊपर, तो उससे इनफाइनाइट रेज निकलती हैं। तो पहली चीज आपको यह समझना होगा कि मान लो कोई हमारा ऑब्जेक्ट है ये, तो पहले तो आपको ध्यान देना होगा कि इससे इनफाइनाइट रेज हमारी क्या होगी, निकलेगी, ये इनफाइनाइट रेज निकलेगी। अब इनमें केवल आपको दो रेज चाहिए होगा, एक ये और एक ये चाहिए होगा, केवल नीड्स है, आपको आवश्यकता है केवल दो रेज की आवश्यकता है, और इन दो रेज के आपस में मिलने से जो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट से जो एक इमेज प्राप्त होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इमेज कहेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही कि इमेज प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए कितनी रेज चाहिए। तो केवल दो रे चाहिए, दो इंसिडेंट रे चाहिए। अब दो इंसिडेंट रे जब ये रिफ्लेक्ट करेगी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, किसी मिरर से, तो रिफ्लेक्टिंग रेज का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वही आपको क्या देगा, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या देगा, इमेज देगा। क्लियर हुई बात की नहीं। सो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इमेज का क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट से आने वाली दो इंसिडेंट रेज जब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर वापस जाती हैं, तो वो कौन सी रेज बन जाएंगी, रिफ्लेक्टिंग रेज बन जाएंगी। और जब वो रिफ्लेक्टिंग रेज आपस में किसी सर्टेन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो सर्टेन पॉइंट आपको क्या देगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट देगा, और यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या मिलेगा, पॉइंट इमेज मिलेगा। क्या मिलेगा,
पॉइंट इमेज मिलेगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि इमेज है क्या, राइट? क्लियर। टाइप्स ऑफ इमेज की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इमेज, देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ इमेज में जब हम लोग जाएंगे तो दो टाइप की इमेज मिलेंगी। एक क्या मिलेगी? रियल इमेज मिलेगी। क्या मिलेगी? रियल इमेज मिलेगी। और दूसरी टाइप की जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? इमेजिनरी मिलेगी। क्या मिलेगी? इमेजिनरी इमेज मिलेगी। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं? दो टाइप्स की इमेज मिलेगी। एक हमको क्या मिलेगी? रियल इमेज मिलेगी। और दूसरी क्या मिलेगी? इमेजिनरी इमेज, यानी इसको हम क्या कहते हैं, एक और नाम से इसको देते हैं नाम, वर्चुअल इमेज देते हैं। क्या नाम देते हैं? वर्चुअल इमेज देते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि रियल इमेज क्या होगा और फिर समझेंगे वर्चुअल इमेज क्या होगा। देखिएगा, जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने प्रेजेंट होता है तो उससे निकलने वाली रिफ्लेक्टिंग जो रेज होती है, जो रियल रिफ्लेक्टिंग रेज के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो हमें उस पॉइंट का ऑब्जेक्ट की जो इमेज मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे? रियल इमेज कहेंगे। यानी इसका मतलब यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? द इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग ऑफ टू रियल रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। क्या ये बात समझ में आ गई? इंटरसेक्टिंग ऑफ टू रियल रिफ्लेक्टेड रेज, यानी जो ये आप समझिएगा, जो रियल में वाकई में क्या हो रही होगी, रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो उससे जो हमें इमेज मिलेगा वो क्या हो जाएगा? रियल इमेज होगा। और अगर वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज होगी, ये वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज होगी, तो उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो आपको क्या देगा? उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज आपको देगा। क्या देगा? वर्चुअल इमेज देगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये हमारी जो है ये रियल रिफ्लेक्टेड रेज है, रियल, यहां पर ध्यान दीजिए। तो रियल रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमको क्या मिलेगा? उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का रियल इमेज मिलेगा। अगर हमारी वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज है, वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज है, तो वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो हमको इमेज मिलेगा वो क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज होगा उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का। ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने जो यहां पे बताया टाइप्स ऑफ इमेज, दो टाइप्स की होंगी, एक हमारी क्या होगी? रियल इमेज, और दूसरी क्या होगी? वर्चुअल इमेज। तो ये वाली हमारी जो रेज है वो क्या कहते हैं? डैश डैश से जिनको रिप्रेजेंट करते हैं इनको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। तो वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो हमको पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिलेगा वो क्या कहलाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। समझ में आया? क्या कहलाएगा? यानी वर्चुअल इमेज कहलाएगा उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का। ये बात आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि इमेज क्या है और इमेज कितने टाइप्स की होती है और कैसे हम ऑब्टेन करते हैं। एक हम थोड़ा सा एग्जांपल आपको देंगे जिससे बात स्पष्ट हो जाए। जरा देखिएगा, यहां पर मैं बातचीत कर रहा हूं, कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहा हूं। तो आपको बच्चा लोग सबको याद होगा, कॉनकेव मिरर में बाहर की तरफ पॉलिश होती है, बाहर की तरफ पॉलिश होती है। मान लो सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। और ये हमारा क्या कहलाता है? फोकल पॉइंट कहलाता है। तो अगर हम पोल और फोकल पॉइंट के बीच में अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें तो इससे क्या होगा? एक जो इससे रेज, पहली जो रेज होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या जाएगी? फोकल पॉइंट से होकर के जाएगी। तथा दूसरी जो रेज है, तो ये हम मान लेंगे ये रेज कहीं बाहर जाती हुई, बाहर से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये वाली जो जो रेज जो हमें ऐसा लग रहा कहीं बाहर से आती हुई प्रतीत हो रही है। अच्छा, आप जरा देखिएगा, दूसरी रेज हम बात करें, सपोज ये एक रेज हमारी क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, मतलब ये
और वहीं से तुरंत क्या पीछे की तरफ वापस आएगी, तो ये दोनों रेड आप कहीं पर भी ऑप्टेंड नहीं होगी, कहीं पर प्राप्त आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब अगर हम पीछे की तरफ इसको ले जाएं तो पीछे की तरफ कहीं पर ये हमको मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो दोनों रेज हैं, जो रिफ्लेक्टिंग रेज हैं, जो ऐसा लग रहा कहीं पीछे से आपस में इंटरसेक्ट करती हुई आ रही हैं, तो यहीं से जो हमको ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिलेगा वो क्या कहलाएगा, वर्चुअल इमेज कहलाएगा। तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। ठीक, तो देखो आज की क्लास में आप अच्छा हम लोगों ने सीख लिया कि इमेज क्या है और इमेज कितने टाइप्स का होता है, एक रियल इमेज और दूसरा क्या है वर्चुअल इमेज, ये दो टाइप्स का है और दोनों कैसे ऑब्टेंड होते हैं इसका मैंने रियल एग्जांपल्स आपके सामने दिया। एक और एग्जांपल से आप और अच्छे से क्लियर कर सकते हो, जरा देखिएगा। अगर हम मान लेते हैं ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का फोकल पोल पॉइंट है, ये हमारा मान लेते हैं फोकल पॉइंट है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हम मान लो सपोज कोई वस्तु कोई ऑब्जेक्ट क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, तो एक रे जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो जाती आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती फोकल पॉइंट से होकर के जाएगी, तो ये चली जा रही, ये बताओ कैसी होगी, रियल रिफ्लेक्टेड रेज होगी। ये भी हमारी क्योंकि हमारा रियल ऑब्जेक्ट है तो ये रियल रिफ्लेक्टेड रेज हुई। दूसरी रेज को अगर हम डालना चाहें तो आप जरा देखिएगा ये कहां पे, मान लो हमने पोल पॉइंट पे गिराई रेज, तो पोल पॉइंट से गिराएंगे तो ये वाली जो रेज है जितने एंगल पर ये आएगी उतने एंगल से क्या हो जाएगी जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया और इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला तो ये वाला जो है हमारा क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा, क्योंकि ये रियल रिफ्लेक्टेड रे से इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है तो ये ऑब्जेक्ट ये रियल ऑब्जेक्ट होगा, ये उसका क्या होगा रियल इमेज होगा। तो यहां पर जरा देखिएगा मतलब रियल रूप में ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में किसी खास पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये क्या बन जाएगा, रियल इमेज बन जाएगा। लेकिन इस वाले केसेस में क्या हो रहा था, ये आपस में कहीं मिल ही नहीं रही थी तो इसलिए ऐसा महसूस हुआ ये कहीं और जाकर के पीछे की तरफ मिरर के पीछे की तरफ जहां पर पॉलिश्ड है उसकी उस साइड में कहीं पर मिल रही होगी। तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट या वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा और यहां पर क्या बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा, यहां पे ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। चलिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको इमेज का कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर दूं, फिर भी अगर कोई समस्या आप लोगों को समझने में आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं कि क्या समस्या आ रही है, तभी हम समझ पाएंगे। और जिस टॉपिक के ऊपर आप हमसे वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, हमारी पूरी कोशिश होगी और अध्ययन गुरु की टीम से पूरी कोशिश होगी कि उस टॉपिक के ऊपर आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड किया जाए। तो हम लोगों को वॉच आउट करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।